हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि मीमो प्लेयर को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, और अगर आपका मीमो प्लेयर के कोर प्रोसेस एंड हो सकते हैं तो उसको आप किस तरीके से जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं, सब कुछ इसी वीडियो के अंदर हम आज आपको बताने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ अपनी प्रीवियस वीडियो की, मैंने बनाया था कि मीमो अगर आपका जो है कोर प्रोसेस मीमो प्लेयर के वो एंड हो जाते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी अच्छा आपका रिस्पांस आया था, और उसके ऊपर भी काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि जी हमारा डाटा जो है वो काफ़ी ज़ाया हो जाता है इसकी वजह से, बट आपके सोल्यूशन की वजह से यह है कि हमारा मीमो प्लेयर बच जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको तरीका बताएंगे कि कोर प्रोसेस अगर आपके एंड होने से पहले कि आप अगर कुछ स्टेप उठा लें तो आपका जो मीमो प्लेयर है वो फिर करप्ट नहीं होगा। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो मैं अगर आपको बताऊं, ये देख सकते हैं कि मैंने एक मीमो प्लेयर है और इसके ऊपर मैंने गेम वगैरह भी डाउनलोड की हुई है। अगर मैं इसका डाटा बताऊं तो देख सकते हैं 10.51 GB डाटा, और खुदा ना खास्ता अगर लाइट चली जाती है या कोई और पीसी एकदम से बंद हो जाता है तो मेरा 10 GB का डाटा और एकदम से वो मीमो कोर प्रोसेस एंड हो जाए तो आप देख सकते हैं मेरा डाटा काफ़ी ज़्यादा जो सा होगा नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ों से बचने के लिए आज मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले तो इसे मैं क्रॉस करता हूँ, आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे एक की लेयर होगी और मेरी चार हैं, और ये भी मैं आपको बताऊँ कि मैंने क्यों बनाई है। ये देख सकते हैं कि 10 GB का डाटा है। अगर उस एरर से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, जब भी अपनी सारी गेम्स वगैरह डाउनलोड कर ले, एक्सटेंशन डाउनलोड कर ले, जब मेरे पास सेटअप कम्प्लीट हो जाता है तो मैं उसको ख़त्म करता हूँ मीमो के प्लेयर को, और यहाँ से जाने के बाद इसको क्लोन कर देता हूँ। क्लोन करने के बाद आप 3 से 4 क्लोन बना सकते हैं, और इसे ओके करेंगे तो आपका जो सा क्लोन का सेटअप होगा वो रन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि मैंने इसी के आगे से 2 से 3 क्लोन बना लिए, और इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा कि अगर एकदम से जो सा पावर सप्लाई को कुछ हो जाता है या फिर लाइट चली जाती है तो जो सा मेरा मीमो चार होगा अगर वो क्राफ्ट भी हो जाता है तो मुझे उससे कोई मसला नहीं होगा, और मैं जो सा अपने जो मैंने क्लोन बनाए होंगे इनको रन करके मैं अपना निज़ाम चला लूँगा और मेरा जो सा काफ़ी ज़्यादा जो डाटा है वो भी बच जाएगा। तो इस तरीके से आप जो सा है मीमो कोर प्रोसेस से एंड अगर आपके हो जाएँ तो उससे पहले डाटा को बचाने के लिए आप क्लोन बना लें, और अगर किसी एक मीमो प्लेयर की जो सी लेयर है उसका क्राफ्ट भी हो जाता है तो उसे आप डिलीट कर दें, और सिंपल सी बात है कि ये वाली वीडियो को आप इस्तेमाल कर लें, यानी कि नए क्लोन बना लें। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अगर कोर प्रोसेस किसी का एरर आ गया तो उसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो वो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप देख सकें।